सुप्रभात बच्चों, मैं आज आपको हिंदी विषय में आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अविरल भाग 8 के अकबरी लोटा नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इसकी पूर्व कक्षा में मैंने आपको ये बताया था कि झाऊलाल के मित्र बिलवासी ने अंग्रेज को अकबरी लोटा जो है उस लोटे को अकबरी लोटा का नाम दे करके बेचने का प्रस्ताव रखा था। अब इसको सुन करके ये अकबरी लोटा है, बहुत ऐतिहासिक लोटा है, इस बात को सुन करके अंग्रेज जो है लोभ और आश्चर्य में पड़ गया कि अरे, तो अब मैं आपको पाठ प्रारंभ कर रही हूँ। उस पाठ के कल जितना इसके पूर्व कक्षा में जो मैंने पढ़ाया था उसके आगे का पाठ मैं प्रारंभ कर रही हूँ। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। जब अंग्रेज ने सुना कि अरे ये लोटा बहुत ऐतिहासिक है, तो उनकी आंखों में लालच आ गया और आश्चर्य भी हुआ कि अरे वाह, और उनकी कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई उनकी आंखें, मतलब बहुत आश्चर्य और लालच से भर गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? अब अंग्रेज के मन में तो लालच आ गया था बच्चों, तो उसने बिलवासी जी से पूछा कि तो आप इस लोटे का क्या करेंगे? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। संग्रह मतलब एकत्र करने का, इकट्ठा करने का। देखो, सभी को कुछ न कुछ संग्रह करने का, रखने का शौक होता है। तो इन्हें क्या था, इन्होंने बिलवासी जी ने क्या बताया कि मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजें रखने का शौक है, मैं उनको एकत्र करता हूँ, ये मेरी हॉबी है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। ये बात किसने कही? अंग्रेज ने कही कि मुझे भी यही शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था, उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। तब अंग्रेज ने बताया कि मुझे भी यही करने का शौक है, पुरानी चीजों को संग्रह करने का। जिस समय लोटा मेरे ऊपर गिरा था, उस समय भी मैं दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो पूछो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वह आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। अब दोनों आपस में उस लोटे को लेकर के बात विवाद करने लगे। हक है, जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया था या मैंने? अग्नेश ने कहा कि नहीं, मेरा हक है, क्योंकि वह लोटे का पानी जो है पूरा हमको नहला दिया था। जब ऊपर से गिरा था तीन मंजिले से, तो पूरा मेरे ऊपर गिर गया था। आपने, वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? फिर भी अंग्रेज कहता है कि मेरे ही पैरों पर भी उसने गिरा, हमको चोट लगी। आपके अंगूठा उसने आपका भुर्ता किया या मेरा? आपका। ये बिलवासी जी उत्तर दे रहे हैं, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। अंग्रेज ने कहा, इसलिए उसे मैं ही खरीदूंगा। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। कहीं अब ये सब बकवास की बातें हैं, चलो दाम लगाओ इसका, इस लोटे का दाम लगाओ, और जो अधिक दाम देगा वही इसे खरीदेगा, यही सही। आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। अंग्रेज ने कहा कि आप तो 50 रुपये लगा रहे थे, अब मैं 100 रुपये दे रहा हूँ। मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। कह रहे, मैं तो 250 रुपये दे रहा हूँ। यह कह करके उसने 250 रुपये लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए, क्योंकि लोटा तो झाऊलाल का था। साहब को भी ताव आ गया। साहब मतलब वही अंग्रेज जिसके ऊपर लोटा गिरा था। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए, अब अंग्रेज ने 250 के बदले 500 रुपये दिए, कहे अब लीजिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। बिलवासी जी को अफसोस के साथ उस 250 रुपये को उठाने लगे, जैसे लग रहा हो कि इनकी आशाओं पर पानी फिर गया हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। बच्चों, पाठ में भी प्रारंभ में मैंने बताया था ना कि झाऊलाल को अपनी पत्नी को 250 रुपये देने थे, तो लाला झाऊ बिलवासी लाल जो है 250 रुपये लेकर के ही आए थे, और उन्होंने किस तरह से अंग्रेज को मूर्ख बना करके उस लोटे के दाम को बढ़ाते 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 500 रुपये में अंग्रेज को दे दिया।
यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। वो अंग्रेज जो है बहुत खुश हो गया 500 रुपये में वो लोटा खरीद करके, कि ऐतिहासिक लोटा है और मैं पुरानी चीज़ों को संग्रह करने का शौक रखता हूँ, बहुत खुश हो गया। मेजर डगलस की डिंग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी, अंग्रेज ने बताया कि मेजर डगलस जो है मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती, होड़ मतलब कंपटीशन, कि कौन अधिक पुरानी चीज़ें एकत्र कर सकता है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। अंग्रेज ने बताया कि इसके पहले वो आए थे हिंदुस्तान और यहाँ से वो जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? बिलवासी मिश्र ने बहुत आश्चर्य से पूछा। हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? तब इसको बहुत आश्चर्य हुआ बिलवासी मिश्र को। उन्होंने कहा कि अरे, ये जहांगीरी अंडा है क्या चीज़? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूर जहाँ से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूर जहाँ ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था। तो अंग्रेज ने कहा कि एक कबूतर ने नूर जहाँ से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, जहांगीर ने पूछा कि तुमने मेरा कबूतर कैसे उड़ जाने दिया, तो नूर जहाँ ने उनके दूसरे कबूतर को उड़ा के बताया कि लो, इस तरह मैंने उड़ जाने दिया। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने 5 साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। वही जहांगीरी अंडा मेजर डगलस ने दिल्ली से एक मुसलमान व्यक्ति से 300 रुपये में खरीदा था। यह बात बिलवासी मिश्र को बहुत आश्चर्य हुआ। यह बात? हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। क्या अब वो मेरे आगे नहीं दे सकते, क्योंकि मेरा अकबरी लोटा तो उनके जहांगीरी अंडे से भी पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। बिलवासी मिश्र ने कहा कि अगर लोटा पुराना है और अंडा उसके बाद का है, तो लोटा उस अंडे का बाप हो गया। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था, क्योंकि उन्हें 500 रुपये मिल गए थे। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता से लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। तब लाला झाऊलाल को बहुत ही अच्छा लगा कि उन्हें 250 रुपये चाहिए था, किस प्रकार से उन्हें 500 रुपये मिल गए। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। बिलवासी मिश्र ने कहा कि चलिए, 500 रुपये मिल गए, अब आप इसको सहेज कर संभाल कर रख लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए, मतलब वो चले गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रख कर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को पूर्वतः अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। फिर उन्होंने अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाली और संदूक खोल करके जो 250 रुपये वो ले करके गए थे उसे ज्यों का त्यों उसी में रख दिया और दबे पांव मतलब चुपके से आए और ताली को पुनः अपनी पत्नी के गले में लटका दिया। फिर उसके बाद उन्होंने चैन की नींद सोए, क्योंकि वो अपने पत्नी के संदूक से
250 रुपये लेकर के गए थे। इस प्रकार अकबरी लोटा के नाम से उन्होंने एक अंग्रेज को बेवकूफ़ बना करके 500 रुपये ले लिए। अब बच्चों मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। गृह कार्य में मैंने आपको पहला प्रश्न दिया है कि सही विकल्प चुनकर उस पर सही का चिन्ह लगाइए। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का आविष्कारक कौन था? इसमें तीन ऑप्शन है, तीन विकल्प दिए हुए, न्यूटन, गैलीलियो या आर्यभट्ट। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। नीचे गिरने पर लोटा सबसे पहले किससे टकराया? तीसरा है, आंगन में प्रवेश करते ही बिलवासी जी ने पहला काम क्या किया? चौथा है, पुलिस में खबर करने से पहले बिलवासी जी ने क्या पेशकश की? जहांगीरी अंडे की क्या विशेषता बताई गई है? इस प्रकार से 5 प्रश्न है, इसमें आपको सही पर चिन्ह लगाना है। इसके बाद है भाषा की बात। नीचे दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। राह पहला शब्द है, विपदा, प्रतिष्ठा, प्रसिद्ध, इजाजत, अंतर्धान और धन्यवाद। राह मतलब रास्ता, पथ, मार्ग, 3 पर्यायवाची। इसी प्रकार से विपदा के, प्रतिष्ठा के, प्रसिद्ध के, इजाजत के, अंतर्धान और धन्यवाद, इनके आपको 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। असमर्थ का विलोम शब्द, विलोम शब्द, समर्थ, प्रकट, पूर्व और सहज। इस प्रकार से आपको गृह कार्य हमने दे दिया और पाठ पढ़ा दिया है। धन्यवाद बच्चों।